वीडियो में गाइस हम यहाँ पर एक लावा फार्म बनाने वाले हैं। तो गाइस आपको लावा फार्म बनाने के लिए जो मटेरियल लिस्ट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। इन सबको कलेक्ट करके आपको कोई भी जगह पे आना है और गाइस यहाँ से ना आपको कोल्डन लेके ना आपको ना यहाँ पर 4x4 का ब्लॉक बना लेना है कुछ इस तरह से कोल्डन से। उसके बाद गाइस आपको इसके अपोजिट पे आना और यहाँ से भी ना आपको 4x4 का यहाँ पर ब्लॉक बना लेना है कोल्डन से। तो इसी के अपोजिट में गाइस आपको 4 ब्लॉक बनाने इस तरह से कोल्डन से, तो 4x4 के। तो गाइस इस तरह से बनाने के बाद आपको इसके नीचे आना है और यहाँ पर आपको टेम्परेरी ब्लॉक लगाने दो, उसके बाद आपको कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा लेना। उसके बाद आपको ये दो ब्लॉक को तोड़ देना और उसके बाद जो कोल्डन के ऊपर हम जो ब्लॉक बना रहे हैं इसको भी आपको ना 4x4 का बिल्डिंग ब्लॉक से ना आपको इसको कवर कर देना है। तो 4x4 का ब्लॉक बनाने के बाद देखो एग्जैक्ट आपको कोल्डन के ऊपर बनाना है 4x4 का ब्लॉक। तो इसी तरह से ना गाइस आपको ना हर कोल्डन के ऊपर ना आपको 4x4 का ब्लॉक से इसको कवर कर देना है। तो फटक से मैं इसको कवर कर देता हूँ। देखो गाइस आपको कुछ इस तरह से कवर करना है। अब मैं यहाँ पर ना दो और कवर कर लेता हूँ, 4x4 के ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। तो 4x4 के ब्लॉक बनाने के बाद गाइस आपका एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब उसके बाद गाइस आपको नीचे की साइड आना है। तो गाइस आपको यार टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ देना है, इसका तो कोई काम नहीं है। उसके बाद गाइस आपको इसके कोई भी कॉर्नर पर आकर ना यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है और उसके बाद एक और ब्लॉक इस तरह से लगा देना और नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ देना। अब उसके बाद गाइस ये वाला जो बाहर की तरफ ने ब्लॉक लगाया इसको अपन ना आपको एक लेयर दे देनी है एक ब्लॉक की, यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर लेनी है लेयर एक ब्लॉक की, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद गाइस आपको इसके साइड पर आना है और यहाँ से जो बीच का जो स्पेस है ना यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना है और इसको आपको पूरा फिल कर देना है। तो कवर कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पर आपको जो चार चार साइड में है ना उसको भी यहाँ पर आपको कवर कर देना है साइड साइड से, ठीक है। तो फटाफट से मैं इनको भी यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। तो गाइस ये कवर होने के बाद आपका कुछ इस तरह से एंगल दिखेगा। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लावा लेना होगा और लावा को ना आपको एवरी ब्लॉक पे यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ से कि मैं डाल रहा हूँ ना, देखो गाइस आपको इसी तरह से हर ब्लॉक पे यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सब जगह पे यहाँ पर ब्लॉक में ना आपको लावा डाल देता हूँ। तो आपको पूरा लावा एक एक ब्लॉक पे यहाँ पर कंप्लीट करना है तभी आपका ये वर्क करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो देखो गाइस हमारा लावा का नीचे वाला जो पोर्शन है ना इस जगह पे आके ना आपको यहाँ पर ना ड्रिप स्टोन लगा देना है, ठीक है। तो हर एंगल पे ना आपको ब्लॉक केस वाले पे ड्रिप स्टोन को लगा देना। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ना कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना पूरी जगह पे मैं ड्रिप स्टोन लगा देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट से मैं इसको लगा देता हूँ। तो आपको भी पूरी तरह से इसमें ना पूरी जगह पे यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है ड्रिप स्टोन लगा के। जैसे आप यहाँ पर ड्रिप स्टोन लगाओगे तो गाइस आपका जो लावा है ना वो यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा और आपको कोल्डन पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको दो चेस्ट यहाँ पर लगा देनी है डबल, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर बकेट डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कलेक्शन पूरा होगा हम बकेट से इसको निकाल लेंगे। तो गाइस अगर आपको इसको और भी फास्ट बनाना तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको AFK करना होगा। एक घंटा आप AFK करोगे ना तो आपको टोटली यहाँ पर ना सारे कोल्डन पे ना आपको यहाँ पर लावा मिलेगा फील होता हुआ। तो आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप इसके नियर बाय में घूम के यहाँ पर AFK कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लावा बकेट को चेस्ट से उठा लेना है सारी, और उसके बाद गाइस जो भी हमारा यहाँ पर लावा फील हुआ था उसको हम फटाफट से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर 1 आवर के बाद आप जैसे यहाँ पर 1 आवर AFK करोगे ना तो गाइस आपको बहुत ही फास्टेस्ट यहाँ पर ना लावा मिल जाएगा। अगर आपको AFK नहीं करोगे तो गाइस आपको थोड़ा लेट मिल सकता है, तो आप AFK कर लेना। तो आप नियर बाय घूमोगे ना तो गाइस आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लावा मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मुझे कितना सारा लावा मिल चुका है। तो इसी तरह से ना आपको यहाँ पर 64 से भी ऊपर तक का यहाँ पर लावा मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री पूरी फुल हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो और भी यहाँ पर मेरे लावा बच चुके हैं और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना 8 लावा गिरता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।